खबर विकासनगर से। गंगभेवा बावड़ी समिति का विवाद एक दिन पूर्व की गई थी आम बैठक, दूसरे दिन पुरानी समिति ने किए मेले के लिए टेंडर। अनिल दुबे की रिपोर्ट। गंगभेवा बावड़ी में समिति का मंदिर प्रबंधक के साथ विवाद चल रहा है। वहीं एक दिन पूर्व भी यहां आम बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि पुरानी समिति की समयावधि खत्म होना बताया गया था और नई समिति का गठन किया गया था। वहीं पुरानी समिति ने बैसाखी मेला कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया की जिसमें दो ठेकेदारों द्वारा टेंडर के लिए आवेदन किए गए, जिसमें कि पहले ठेकेदार ने 14,51,000 तो दूसरे ठेकेदार ने 16,51,000 रुपए में अपने नाम की बोली छुड़वाई। ये गलत प्रक्रिया अपनाते हुए, गलत धारणा करते हुए, गलत लोगों से षड्यंत्र करते हुए इस प्रक्रिया को किया गया, जो कि अखबार में आज भी हमें देखने को मिला है, जो बहुत ही गलत और अनुचित है, न न्याय संगत है, न विधि सम्मत है। उन्होंने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यदि उनको आपत्ति थी भी समय से या किसी सदस्य से या समिति से कम आम सभा बुलाने के बाद 2/3 बहुमत से उसे पारित कराया जाना चाहिए था। जो समिति है सर, ये इसका कार्यकाल कौन सा है, दूसरा कार्यकाल है क्या कहते हैं? दूसरा कार्यकाल इसका अब चल रहा है, दूसरा कार्यकाल पहले ही कार्यकाल में हम चल रहे हैं और ये मार्च से मार्च तक यदि हम इसको माने तो मार्च के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया प्राय पहले से ही प्रारंभ होती है। तो मार्च अब ये हमारा 1 महीना बढ़ाते हुए ये तय किया गया कि अप्रैल में मेला संपन्न करने के बाद, ऑडिट कराने के बाद मई में चुनाव करा दिए जाएंगे। तो पिछले वर्ष भी क्या निविदा के माध्यम से ही मेले को संपन्न कराया गया था? पिछले समय में निविदा के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न नहीं किया गया, क्योंकि ये ठेका वैसे ही मौखिक तौर पर दे दिया गया। इस बार भी लिखित प्रक्रिया न अपनाते हुए मौखिक प्रयागत अंतर्गत ही लोगों से निविदा ली गई है, बंद लिफाफे में, जिनका आज अनावरण किया गया सबके समक्ष। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।